चुरा रहा है। ये लड़का अपनी प्रेमिका से कह रहा है। क्यों, वो जानता है तुम्हें? नहीं यार, उसने हमें देख लिया। देख लिया? हाँ, उस दिन अमेरिकन डाइनर से निकलते हुए तुम्हें तो जिद किया था, क्या जरूरत थी किस करने की? अजीब डरपोक हो, मुझे क्या सिक्योरिटी गार्ड से पूछकर तुम्हें गले लगाना होगा? पता है मैं जिस दल का विरोधी हूं, वो सिक्योरिटी गार्ड उसी का बड़ा सा भक्त है। अगर उसने हमारे रिकॉर्डिंग किसी को दे दी तो तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता उसके पास रिकॉर्डिंग है? वो दिन भर कंट्रोल रूम में बैठे हम जैसों को घूरता रहता है। मैंने भी एक दिन तुम्हें ओपन एयर थिएटर की तरफ चूम लिया था, तो हमारे चूमने का क्या करेगा? किसी न्यूज एंकर को दे देगा, फिर वो स्टिंग बनाकर दिन रात चलाएगा। दुनिया हमें प्रेमी नहीं अपराधी समझेगी। यार अब यहाँ नहीं आते हैं, सीपी चलते हैं। वैसे सीपी में भी सीसीटीवी है। तो मॉल चलते हैं, तो मॉल में भी सीसीटीवी है। तो घर चलते हैं, यार घर से ही तो निकलकर हम सीपी और हैबिटेट खाते हैं। तो हम कहाँ जाएं? एक आइडिया है क्या? चलो सिक्योरिटी गार्ड बनकर कंट्रोल रूम चलते हैं। प्यार करने की शायद वही एक सुरक्षित जगह बची है, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। तो फिर हम प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम सीसीटीवी कैमरे का कारोबार करेंगे। ये लपरे एक है। एक लव इन टाइम ऑफ लैंग्वेज क्राइसिस सुनाता हूं। प्रेमी प्रेमिका से कहता है, हिंदी की अशुद्ध वर्तनियों की तरह मेरे ख्याल स्पेल, हिंदी की अशुद्ध वर्तनियों की तरह मेरे ख्याल बाहर आने से डरते हैं कि कहीं तुम सही ना कर दो, लाल स्याही से घेरा ना बना दो। प्यार में तुम टीचर क्यों बन जाती हो सायरा? समर तुम्हारा ग्रामर कमजोर है, दिल ठीक है। मुझसे मिलने आए थे तब तुम्हारी अंग्रेजी भी बहुत खराब थी, फिर भी क्या, ग्रेस मार्क देकर मुझसे इश्क किया या खुद पर भरोसा था कि एक दिन तुम मुझे हिंदी और अंग्रेजी में माहिर बना दोगी? नहीं समर, जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है वो प्यार नहीं कर पाते, उनकी कल्पनाएं किसी नॉवेल से चुराई लगती हैं, आधे समय शेक्सपियर को ही कोट करते रहते हैं। कम से कम तुम जब भी बोलते हो कुछ नया बोलते हो, तो इश्क में कुछ नया बोलना अच्छा होता है सायरा? समर तुम व्याकरण की चिंता मत करो, हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरणों के आगे भी दुनिया है। जब भी मैंने तुम्हारे ख्यालों को सही किया ऐसा लगा जैसे तुम्हारे बालों को ठीक कर दिया, तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख सकूं। सायरा मुझे पता है तुम हमेशा मेरी रफ कॉपी को फेयर कर देती हो, तुमने जिल्द की तरह मुझे ढक लिया है, जिसके नीचे तुमने छुपा कर कुछ लिखा है, ससा समर और सायरा। ये आपके शहर की ट्रैफिक जाम की दास्तां है, वो भी तब जब चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगले चुनाव में आप में से किस किस की सीडी बनेगी और टीवी पे चलेगी, प्यार करने से पहले सोच लीजिएगा। इस सड़क को देखो, इन पर गाड़ियां हैं मगर सपने नहीं हैं। तुम जाम में अक्सर बहक जाते हो, हाँ जब रास्ता बंद हो जाए तो कल्पनाएं ही आपको वहां से बाहर ले जा सकती हैं। तुम कभी मेरे साथ क्यों नहीं होते? हमेशा कल्पनाओं में क्यों ले जाना चाहते हो मुझे? इसलिए कि मुझे सिर्फ प्यार नहीं करना है, तुम्हारे साथ सपने भी देखना है। तुम्हें सपने में देखना ही मेरे लिए प्यार है। तो हकीकत में सब कुछ इस सड़क जैसा है। हम फंसे हुए हैं कतार में, जैसे लगता है हम दिन भर कतार में हैं, प्यार में नहीं है, बम्पर टू बम्पर। ये गुजरात फाइल से प्रेरित है किताब राणा अय्यूब की। ये उसके भीतर का डर है जिसने साए की तरह मेरे पीछे छोड़ दिया है। वह ऐसा क्यों करेगा?
क्योंकि उसे एक दिन वहां नहीं रहने का खौफ सताता है। चाहता है कि मैं भी यहां नहीं रहने के खौफ से घिरा रहूं। तुम्हें ये सब कौन बता रहा है समर? पता नहीं, इस शहर में जिससे मिलो वही कहता है फोन पर बात मत करो, कोई सुन रहा है, हमें ट्रैक कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल किया करो। पर कोई तुम्हारी रिकॉर्डिंग का क्या करेगा? लीक करेगा? पर क्यों? मैं जानना चाहती हूं। उसे एक अफसोस है, क्या उसने कभी प्रेम किया ही नहीं, किसी से फोन पर घंटों बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो खुद रिकॉर्ड कर लिए जाने के ख्वाब से घबराया रहता था। एक बार तो रिकॉर्ड भी कर लिया गया, पर तुमने तो कहा कि उसने प्रेम नहीं किया, किसी से फोन पर बात नहीं की। हाँ, क्योंकि वो कबूल नहीं कर पाया। जो लोग दुनिया के सामने प्रेम कबूल नहीं कर पाते वो प्रेम नहीं करते। तो क्या वो मयूर प्रेम करते? अब तुम ये मयूर प्रेम कहां से ले आई है? आई एम सीरियस यार, ये बहुत सीरियस मैटर है। ओहो, तुमने रविश कुमार का प्राइम टाइम नहीं देखा? मोर रोता है और मोरनी आंसुओं की बूंदे चीखती है, प्रेम अंडे देती है जैसे लग जाए। मजाक मत करो, तुम्हारा भी कोई ईमेल ट्रैक कर रहा होगा। यार मत लिखा करो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इतना क्यों लिखते हो यार? तो उसे कहते हैं ना कि वो सीधा यहीं क्यों नहीं आ जाता, हम जहां बैठे हैं झाड़ियों के पीछे से हमें देखता रहे। कोई किसी की लव लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेना चाहता है? जो लोग अपना प्रेम कबूल नहीं कर पाते वो दूसरों के लिए बबूल बन जाते। तुम ये लपरेख लिख रहे हो क्या? मेरी घबराहट बढ़ रही है, तुम्हारी चिंता हो रही। कौन लोग हैं जो तुम्हारा फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो प्यार में फेल हो गया था क्या वो रिकॉर्ड कर रहा है? प्यार में फेल तो आधा से ज्यादा हिंदुस्तान है, और बाकी का हिंदुस्तान? मैथिली, तुम सवाल बहुत करती हो। मैं प्रवक्ता नहीं कि मुझे तुम स्वर्ण जयंती पार्क से भगा दोगी। यार मुझे तुम्हारी चिंता है। क्या रिकॉर्डिंग करने वाला क्लार्क भी सुनता होगा हमारी बातचीत? सब बता तो दिया, फिर तुम ये क्यों जानना चाहती? एक बात कहूं क्या? तुम्हें सही में डर नहीं लगता? मैं खूब डरता हूं। किससे? तुम्हारी आंखों से। लव इन टाइम ऑफ पीकॉक फियर एंड फोन रिकॉर्डिंग, गाने का नाम। अब मैं जो पुरानी कहानी है लव ब्रेक, कई बार सुनाया है आप लोग ने, शाम तो ये नई है तो इसलिए फिर से सुनाई जा सकती है इस बार। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ। लड़के और लड़कियां जब दिल्ली शहर में चलते हैं तो आप सिर्फ प्रेम में नहीं होते, कई तरह के इंप्रेशन से गुजरते रहते हैं अपने शहर, टाइम, बहुत तरह की एंग्जाइटी, बहुत तरह के ऐसे ख्वाब जो आपने कभी देखे नहीं वो आप देखने लगते हैं, पहले से बेहतर होने लगते हैं। जब आदमी घबराता है, थोड़ा डरता है तो बेहतर होता है। जब उसके भीतर से डर समाप्त हो जाता है वो जानवर हो जाता है। तो लड़का कहता है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। जब वो लड़की के प्रेजेंट में उसके बैकग्राउंड की तरफ आता है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे हिल जाता है। हाँ, जब भी तुम साउथ एक से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है, जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक और सराय काले खां की दूरी भी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। नेहरू पार्क की झाड़ियों में सरसराहट से दोनों सहम गए। पत्तियों की झुरमुट से धड़कती आंखों से कोई उन्हें भकोस रहा था। दिल्ली में महफूज जगह की तलाश दो ही लोग करते हैं, जिन्हें प्रेम करना है और जिन्हें प्रेम करते हुए लोगों को देखना है। घबराहट में दोनों इतनी तेजी से उठे कि पास की झाड़ियों में हलचल मच गई।
प्रेमियों को लगा कि